वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट टुडे वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर नंबर थर्टीन मोशन एंड टाइम पार्ट टू न्यू टॉपिक स्पीड यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द वर्ड स्पीड तो स्पीड नाम के शब्द से आप सब परिचित ही हो इन द एग्जांपल्स गिवन अबाउट हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज़ बिन कवर इन अ शॉर्टर टाइम और अ लार्जर डिस्टेंस कवर इन अ गिवन टाइम तो अबाउ जो भी एग्जाम्पल दिए गए है उसमें जो हायर स्पीड जो है वो शॉर्ट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया होता है वो और जो टाइम दिया गया है उसमें डार्जन डिस्टेंस जो भी कवर किया होता है उनको इंडिकेट करता है द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंसिस मूव बाई डैम इन अूनिट टाइम तो यूनिट टाइम में टू और मोर ऑब्जेक्ट्स जो है उन्होंने जो डिस्टेंस मूव किया है उसके कंपेयर में जो फास्टर मूविंग होता है तो वो फाइंड आउट करना मोस्ट कन्वीनियंट होता है इफ़ वी नो द डिस्टेंस

यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट तो यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर होता है उसको क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट का स्पीड कहते हैं। वैन वी से डैट द कार इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ फिफ्टी किलोमीटर पर आवर तो हम ये कह है सकते हैं कि कार जो है वो फिफ्टीन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूविंग करती है इट इम्पलीस डेट इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ फिफ्टी किलोमीटर इन वन आवर तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कार जो है वो वन आवर में फिफ्टी किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती ही है हाव एवर अ कार सेल्डम मूव विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर वन आवर इन फैक्ट इट स्टार्ट मूविंग स्लोली एंड देन पिक अप स्पीड तो कार जो है वो वन आवर में सेल्डम कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव होती है तो पहले वो स्टार्ट होती है तब स्लोली मूव होती है उसके बाद उसकी स्पीड कैसी होती है उसकी पिकअप स्पीड हो जाती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है धीमे 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 करके सो वेन वी से डैट द कार एज अ स्पीड ऑफ फिफ्टी किलोमीटर्स पर आवर तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कार जो है उनकी स्पीड फिफ्टीन किलोमीटर्स पर आवर है कार की जो स्पीड है वो फिफ्टीन किलोमीटर्स पर आवर है वी यूजली कंसिडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर बाई इट इन वन आवर तो हम यूजअली कहाँ कंसिडर करते हैं कि वन आवर के वन आवर के, के द्वारा हमने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया होता है उनको ही हम सिर्फ कंसिडर करते हैं वी डू नॉट बोथर वेदर द कार हैज बीन मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग डेट आवर तो नॉट ड्यूरिंग डेट आवर एंड जो कॉन्स्टेंट स्पीड से कार जो मूविंग होती है उन दोनों को हम बोथर को हम क्या उनको कंसिडर नहीं करते द स्पीड कैलकुलेट ईयर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार तो यहाँ पर जो स्पीड कैलकु जो कैलकुलेट स्पीड होती है वो क्या है कार की एक्चुअली क्या होती है वो कार की एवरेज स्पीड होती है यहाँ पर जो भी स्पीड कैलकुलेट होती है वो एक्चुअली कार की एवरेज स्पीड होती है इन दिस बुक वी शैल यूज द स्पीड फॉर एवरेज स्पीड तो ये बुक में क्या है एवरेज स्पीड को ही टर्म स्पीड में यूज किया गया है सो फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन थस तो हम डायरेक्ट स्पीड का ही देख देखते हैं स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन तो ये स्पीड का फॉर्मूला है क्या है स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग अ कॉन्सेंट स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस और और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो एवरीडे लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट्स जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड लॉन्ग डिस्टेंस में वो क्या करते हैं कॉन्स्टेंट उसकी स्पीड से वो मूविंग होते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो कॉन्स्टेंट स्पीड में मूविंग होते हैं लॉन्ग टाइम में लॉन्ग ड्यूरेशन के टाइम में इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्टेट लाइन कीप्स चेंजिंग तो स्टेट लाइन के साथ में जो ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं तो उनकी स्पीड कैसे कैसी होती है चेंजेस होती रहती है यानी स्टेट लाइन के साथ में मूविंग जो भी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती रहती है चेंजेस होती रहती है इस मोशन इज सेड टू बी द नॉन यूनिफॉर्म इन मोशन को क्या कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्टेट लाइन विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं कि स्टेट लाइन के साथ जो ऑब्जेक्ट मूविंग हो रहा है मूविंग तो हो रहा है स्टेट लाइन के साथ मूविंग हो रहा है ऑब्जेक्ट वो कैसे स्पीड होती है कॉन्सेप्ट स्पीड होती है तो उनको क्या कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड तो एक कैसेज में क्या है एवरेज स्पीड ही इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट वंस वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय इट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंसेस तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उनके सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लेता है तो उनको मेजर करना है और उसके स्पीड को क्या करना है डिटरमाइन करना है इन क्लास सिक्स यू लर्न हाउ टू मेजर डिस्टेंसेस तो क्लास सिक्स में हमने ऑलरेडी लर्न किया ये कि डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं किस तरीके से उनको मेजर किया जाता है बट हाउ डू वी मेजर टाइम लेट अस फाइंड आउट टाइम को हम किस तरीके से मेजर करेंगे तो वो हमको फाइंड आउट करना है वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो